से पहले तो मेरा नमस्कार ले लो दोस्तों। मेरे सामने खड़े हैं बजाज कंपनी के चेतक, ये दो स्कूटर पर कौन कौन से हैं भाई? ये है टॉप वेरिएंट और ये है बेस वाला वेरिएंट, यानी कि अभी हाल ही में निकला है ये वाला। ये तो प्रीमियम है, टॉप वेरिएंट है भैया। टॉप का मतलब तो ज़्यादा पता ही, आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब ये थोड़ा सस्ता हो गया है पहले से। कौन सा नाम है? 2901 करके ये मॉडल है, 2901 ब्लू लाइन करके ये मॉडल है, ये आपको लिख रहा होगा ये, और ये प्रीमियम है। और क्या क्रॉस कटिंग करी है कंपनी ने, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत तो हो चुकी है, शुरुआत कर लेते हैं पैसों से। तो इसका टॉप वेरिएंट का इसका जो प्राइस हो जाता है, वो टोटल प्राइस होता है 159,105 रुपये। अब इसका कितना हो जाता है? इसका प्राइस हो जाता है बेस वेरिएंट का, यानी बेस क्या बोलोगे यार, हर घर के लिए बोलोगे, मतलब परफेक्ट स्कूटर बोलोगे। अभी निकाला है, अभी येलो कलर में कितना अट्रैक्टिव लगा। इसका जो प्राइस होता है 1,07,056 रुपये दोस्तों, जिस तरह से दिख रहा होगा। अब इतना बड़ा प्राइस में डिफरेंस है, 1,07,007 रुपये में कोई चीज़ मिल रही है, वही चीज़ 1,59,000 रुपये मिल रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस। चीज़ें तो यार इसमें ज़्यादा हैं ही, लेकिन देखो बॉडी में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैं कैमरा आपको पूरा एंगल से दिखाऊं, आपको शेप में के साथ बजाज चेतक ये वाला दूसरा दिख रहा है, शेप में कोई देखने को चीज़ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में ये भी लेके निकल जाओगे तो, और या ये लेके निकल जाओगे तो इंसान ये कहेगा अरे यार कलर का फ़र्क है, चीज़ वही है। लेकिन वैसे इंटरनली, वैसे अगर मैं एक एक चीज़ करके खोलूँगा ना, तो वो आपको अंतर समझ में आएंगे। ये देख लो, सबसे पहला अंतर जो है, देखो ये तो पहले जो आती थी इसके अंदर फॉप की देखने को मिलती थी, रिमोट वाली, ये दिख रहा है आपको, फॉप की देखने को मिलती थी। अब बजाज ने फॉप की हटा दी है, अब इसमें फिजिकल की कर दी है चाबी, जिस तरह से सारे स्कूटर्स में देखने को मिलती है। ये बोलते हैं इसको वेव की बोलते हैं, सिंपली लगाओ। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला फंक्शन बेटर हो जाता है। और क्या चीज़ देखने को मिलती है उसमें? आपका 5 इंची में आपका स्क्वायर में मीटर कंसोल देखने को मिलता है, इसमें सर्कल में देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा दोनों ही डिजिटल मीटर कंसोल फंक्शन उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसमें थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ज़रूरी फंक्शन होते हैं ना, वो सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। अब इसी की बात कर लूँ, इसमें क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं वो बात कर लेते हैं। फोकस मेरा इस पे ज़्यादा है क्योंकि प्रीमियम की मैंने वीडियो बना रखी है, जिस तरह से आपको आई बटन में दिख रहा होगा, तो आप चाहे प्रीमियम की वीडियो जाकर देख सकते हो, लेकिन जो अभी हाल ही में निकला है स्कूटर, उसी के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें कंपनी ने, मतलब क्रॉस कटिंग करके इसमें एक नया अवतार करके बजाज चेतक का आपके सामने पेश किया है। तो मीटर कंसोल में देखो जो तुम्हें ज़रूरत होगी, टाइमिंग देखने को मिलता है, टाइमिंग की ज़रूरत है, साइड स्टैंड की जरूरत होती है कि साइड स्टैंड लगा है तो भाई साहब स्कूटर चलेगा ही नहीं। न्यूट्रल का, इंडिकेटर का, हाई बीम लो बीम का चीज़ें देखने को मिलती हैं, वार्निंग लाइट्स देखने को मिल जाती है इसके अंदर। और ये देखो न्यूट्रल का भी फंक्शन देखने को मिलता है कि न्यूट्रल पर खड़ी हुई ड्राइव मोड पर लगाओ तो ड्राइव मोड पर लग जाएगी, रिवर्स मोड पर लगाओगे तो रिवर्स मोड पर लग जाएगी। ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है और इसके अंदर ट्रिप भी देखने को मिल जाता है, स्पीड देखने को मिल जाती है, रेंज देखने को मिल जाती है कि कितनी रेंज देने वाला है। फुल चार्ज है, देखो 110 की रेंज है भाई साहब, फुल चार्ज होने पे 110 किलोमीटर तक, अभी दो बैटरियां हैं, यानी कि 123 की तो इसकी फुल चार्ज रेंज है, वैसे तो 123 की है। और कितनी बैटरी रह गई है, कितना चलेगा, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल्स का, अरे बहुत फंक्शन देखने को मिल जाएंगे यार। टैग पैक 3,000 रुपये का ले लोगे तो बहुत फंक्शन देखने को मिलेंगे। ये आपके बटन्स हैं, ड्राइव मोड और आपका ये मीटर कंसोल को ऑपरेट करने का, ये न्यूट्रल का, ये रिवर्स का, ये इंडिकेटर का, ये हाई बीम लो बीम का, ये आपका इंडिकेटर का, ये आपका कॉल्स का कमांड का, और ये हॉर्न देखने को मिल जाता है। इसमें थोड़ी बटन की क्वालिटी थोड़ी सुपीरियर कर दी है, ये देख सकते हैं आपको, इसमें थोड़ी सुपीरियर कर दी है बटन की क्वालिटी। ये पूरा इसके बारे में देखने के लिए मैंने बोला ना, आई बटन पे जाके सारा कुछ देख सकते हो। अब क्या करा है, पहले इसमें डिक्की आती थी आगे की तरफ कुछ इस टाइप से, है ना, दिख रहा है, इसका नंबर है 2433, इसमें डिक्की आती थी, लेकिन अब इसमें ग्लव बॉक्स कर दिए इस टाइप के पैटर्न के, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऊपर से एंगल दिखाऊं, ये देखो उसमें डिक्की आती थी, इसमें अब ग्लव बॉक्स ओपन में कर दिया है। बूट स्पेस दोनों का ही सेम है, यानी कि 21 लीटर इसका है, 21 लीटर इसका है। खोल कर दिखाऊं, ये मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने ऐसे दबाया और बूट स्पेस खोल दिया इसका 21। देखो बूट स्पेस दोनों का ही सेम, देख लो, देखो उसका भी सेम है और इसका भी सेम है, बूट स्पेस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, चार्जिंग करने वाले जगह में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, चार्जर में फ़र्क है, देखो इसमें तो इस टाइप का चार्जर देखने को मिलेगा, ये दिख रहा है आपको, बड़ा सा आपको कैरी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऑन बोर्ड है, इसमें एक वायर देखने को मिलेगी, इसी के अंदर चार्जर इंक्लूड है प्रीमियम में, पर इसमें चार्जर इंक्लूड नहीं है, इसमें चार्जर आपको लेके कैरी करना पड़ेगा। ये देख लो, ये फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब पीछे की ग्रैबल देख रहे हैं आप,
ये उसमें ग्रेवलर इस पैटर्न की है और इसमें इस पैटर्न की है, वो ब्लैक कलर है और ये लाइन येलो कलर है। इसमें कलर ऑप्शन, कलर की बात कर लेते हैं, चलो इसमें कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, हेजल नट, इंडिको मेटेलिक ब्लू और ब्रुकलिन ब्लैक, तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पर इसके अंदर नए वाले में भाई साहब पांच कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे यार, एक तो लाइम येलो, एक रेड, एक ब्लू, जिस तरह आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, देखो कितने अट्रैक्टिव कलर लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। ये देख लो पीछे का जो आपका बैक प्रोफाइल है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, बस थोड़े से ये फिन्स जो है ना इसमें क्रोम का काम कर दिया गया है, इसमें से क्रोम हटा दिया गया है, ये फंक्शन है। और बॉडी दोनों ही मेटल में, मतलब मेटल बॉडी का बना हुआ है। आगे का जो आपका ये जो मदगार्ड होता है ना, ये फाइबर में है, इसका भी और इसका भी फाइबर में देखने को मिलता है, ये देख लो। और बैक प्रोफाइल तो भाई सेम ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, आप देख सकते हो वही नंबर प्लेट लगेगी, वही आपके रिफ्लेक्टर्स हैं, वही बैक लाइट है, वही आपकी इंडिकेटर्स हैं। जलाकर मैं दिखा सकता हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है, जलाने के बाद देखो कुछ इस टाइप से पैटर्न लगता है। इंडिकेटर जलाकर दिखाऊं आपको, देखो इंडिकेटर जलने के बाद बीप भी जलती है और उसमें भी वही इंडिकेटर जलेगा भैया, पीले रंग का जलेगा, उसमें हरे रंग का इंडिकेटर नहीं हो जाने वाला है। हाँ नंबर प्लेट आपको हरे रंग की मिलेगी, ग्रीन कलर की नंबर प्लेट मिलेगी, क्योंकि ईवी की जो नंबर प्लेट होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ना ही आपको टायर साइज में चेंज मिलेगा, वही 90x90 12 इंची के साइज के साथ आगे और पीछे का टायर साइज, ट्यूबलेस टायर है, टर्बाइन लुक में अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, काफी अट्रैक्टिव। देख लो ये इसका है, ये इसका है, कोई फर्क देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं मोटर की कैपेसिटी में साहब, ये देख लो बढ़िया लग रही है। बैटरी में थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि रेंज में फर्क है, तो बैटरी में इसकी 2.9 किलोवाट की बैटरी है, इसकी है 3.2 किलोवाट की बैटरी इसकी प्रीमियम की। ये देख लो मोटर दोनों में सेम है, 4.2 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है, ये देख लो ये मोटर है, वही चीज़ वही टेक्नोलॉजी है, मोटर में कोई चेंज नहीं किया गया है, वही स्पीड देगी। लेकिन टॉप स्पीड की बात करूँ ना, इसकी 63 टॉप जाएगी और इसकी 73 टॉप जाएगी। रेंज की बात करूँ, ये भाई साहब इतना सस्ता होने के बाद भी 123 की रेंज देगा, और वो आपका मैंने बताया दिया वो 126 की रेंज देगा, वो देख लो आप, क्वालिटी ज़्यादा लोगे लेकिन रेंज में बस 3 किलोमीटर का फ़र्क देखने को मिलेगा दोनों में, ये देख लो। ताकि मैं आपको फिर से विज़िट करा दूँ, है ना, लग रहा है ना। और सीट हाइट भी दोनों की सेम है, 760 mm की सीट हाइट है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और बढ़िया हो जाता है, हर हाइट के हिसाब से परफेक्ट हो जाता है, ये देख लो। और बाकी आपको ना और अच्छे से फील करना है ना, तो शोरूम पे आसपास जो बजाज का शोरूम है वहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा ही। और फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो हेडलाइट में कोई बदलाव नहीं है, एलईडी में हेडलाइट है, रिंग जो है आपकी डीआरएल कुछ इस टाइप की पैटर्न की है, वहीं इंडिकेटर हैं, ये देख लो। मिरर्स में भी कोई बदलाव नहीं है कुछ इस टाइप से, इसका भी महंगे वाले का भी मिरर ऐसा है और इसका भी मिरर ऐसा है, लेकिन ये देख रहे हो। और सीट में भी मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं है, सीट भी वैसी की वैसी है, ये देख लो सीट। इसमें थोड़ा टेक्सचर, थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी दे दी गई है, पर और यहाँ यार एक चीज़ चेंज दिखाया है, यहाँ पर सीट के नीचे ये पुश बटन है, यहाँ सामान वगैरह लटका सकते हो, पर भाई साहब इसमें से गायब कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो प्राइस ज़्यादा है तो उसमें फंक्शन, उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन फंक्शन देखने को मिलेंगे भाई, सच में कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो उसमें भी आ सकते हो, उसमें क्वालिटी है भाई, प्रीमियमनेस ज़्यादा है उसके अंदर। अगर आपको सिर्फ बजाज चेतक में आना है और लगना है कि हाँ भाई मुझे बजाज चेतक का स्कूटर लेना है, तो इसमें भी आ सकते हो। मैं ये इसे बेस्ट नहीं बता रहा हूँ, ये कहने का मतलब ये है, ये हर बंदे के लिए सूट है, लेकिन ये कुछ कैटेगराइज बंदों के लिए सूट करता है, फैमिलीज़ के लिए, तो ये भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, दोनों ही स्कूटर परफेक्ट हैं, अपने आप में एक अलग कैटेगरी रखते हैं भाई। वो ज़्यादा महंगा है तो ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, कुल मिला के देख लो बढ़िया हो जाता है सौदा। पीटर कंसोल भी देख लो, ऊपर से टॉप व्यू देख लो, मुझे बताओ ये जो बजाज की नई पेशकश है कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी तो मैंने जानकारी दे दी है, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कम और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।